हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अपने लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी शिव शंभू और माँ दुर्गी के आशीर्वाद से अपने लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त हूँ। तो एकता आज गई है मम्मी के साथ कहीं दुर्गा पंडाल। जिस तरह से हम माँ दुर्गी की विदाई करते हैं खोइंचा देके, उसी तरह से बंगाली लोग जो होते हैं वो माँ दुर्गी की विदाई करते हैं सिंदूर खेल के। तो यहाँ पे सिंदूर खेल होने वाला है और एकता इसी अवसर पे मम्मी के साथ गई थी उस पंडाल में सिंदूर खेलने के लिए, क्योंकि एकता के एक दोस्त थे सीला जो बंगाली है और उसने इसे इन्वाइट किया था सिंदूर खेलने के लिए। और ये देखिए, सब लोग बहुत अच्छे से सिंदूर खेल रहे हैं। मूर्ति किधर जाना है? ऑटो से या पैदल? और यहाँ पे शीला एक आंटी के साथ बात करने में इतनी मगन हो गई कि हम लोग काली वाली के लिए लेट हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, बोलो। आज दुर्गा पूजा का लास्ट डे है, मतलब आज खुद दशमी है। दुर्गा माँ को वो चली जाएंगी आज, तो बहुत दुख है चेहरे पे, तो खुशी दिख रहा था। वीडियो में ये सब माँ से इसकी बातें ना सुनी, तो खुशी इस बात का है कि हम बहुत सुंदर साड़ी पहने हैं और सिंदूर वाला खेलना वाला थोड़ा बहुत तो खेल 90% खेल लिए हम। 10% छूटा ना जो ढोलक बस उस टाइम निकले, बाकी हम लोग खेल लिए। ये आंटी मेरा बाल बनाई है बहुत सुंदर, जो नीचे भी नहीं आ रहा है। और ये सामने ये जो साइड वाला है ना, इसकी मम्मी बोली घुमा घुमा के डिज़ाइन बना लो, तो घुमा घुमा के डिज़ाइन। और ये मेरी मम्मी अभी चिल्ला रही थी कि हम लोग जल्दी क्यों नहीं जा रहे हैं, काली मंदिर टूट जाएगा, छूट जाएगा। मैं जूता खोल यही पे रहा, मिल भी गई तुरंत। Oh!
आंटी हमको साड़ी दे चुकी हैं, हम सोचे थे लौटाना है, लेकिन आंटी बोली कि बेटी को दिया हुआ वापस नहीं लेते हैं, मतलब नहीं लिया जाता, तो आंटी हमको वाइट कलर का साड़ी दी। हम बैग नहीं टांगे क्योंकि साड़ी पे बैग अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मेरी मम्मी टांग बैग। मेरी दीदी हमको फ़ोन करके तंग कर रही है, बताइए दुर्गा माता को छोड़ के कैसे चले जाएं। माता का विसर्जन और खेल लिया एक तानी सिंदूर खेल, तो आ गई है अब वो घर। तो आज इस ब्लॉग में इतना ही, कल हम फिर मिल सकते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड बी कनेक्टेड। बाय बाय।